गॉइज, या तो दिल्ली के लड़के ने कर दिया उन लोगों का मुंह बंद जो कि बोलते थे कि कोहली को रिटायरमेंट लेनी चाहिए। कोहली तो बस इंस्टा पे एक्स ही करता रहता है, बस पैसे के पीछे भागता है, टीम इंडिया पे बोझ है। अनुष्का शर्मा ने कोहली का करियर खत्म कर दिया है और ना जाने क्या क्या फालतू चीजें बोलते रहते थे। बट विराट कोहली ने 8 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में 122 रन में 61 बॉल की शानदार इनिंग्स खेल गए जिसमें कि 12 फोर और 6 सिक्सेस थे, और इनिंग्स देखने के बाद उनके हिटर्स का तो मूव बंद ही हो गया था। तो ऐसी इनिंग्स विराट कोहली ने लगभग 2.5 ईयर्स के बाद खेली थी, बोले तो 2.5 साल के बाद। यार तो इस इनिंग्स के बाद ना कोहली सर ने बहुत से रिकॉर्ड भी तोड़ दिए थे, तो अगर आप लोग इन रिकॉर्ड के बारे में नहीं जानते हो तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। पर इससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो फर्स्ट रिकॉर्ड ये है कि विराट कोहली बन चुके हैं T20 के हाईएस्ट स्कोरर फ्रॉम इंडिया। इससे पहले ये रिकॉर्ड रोहित शर्मा के पास था जिसमें रोहित शर्मा ने 118 रन बनाए थे इन 43 बॉल्स अगेंस्ट श्रीलंका, और इस सेंचुरी के बाद विराट कोहली ने अपने 71 सेंचुरीज भी कंप्लीट कर लिए थे, और इसी के साथ वो इंटरनेशनल सेंचुरीज के मामले में रिकी पॉन्टिंग के बराबर आ गए थे। अब दोनों के 70 सेंचुरीज हैं इंटरनेशनल्स में। 122 रन इन T20 फॉर्मेट हाईएस्ट स्कोर है ऑन यूएई सॉइल जो कि विराट कोहली ने ही बनाया है। इस सेंचुरी के बाद विराट कोहली फर्स्ट बैट्समैन बन गए थे जिन्होंने एशिया कप में सेंचुरी मारी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कोहली बिकेम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू रीच 3500 T20 रन इन 96 इनिंग्स एंड 24000 इंटरनेशनल रन इन 522 इनिंग्स।